पार्टी के नवगठित राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें राज्य अध्यक्ष जी ने अनुरोध किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होने का। तो उन्होंने अपना मंतव्य दिया कि 2005 के पहले के हालात क्या थे, और साथ ही साथ उन्होंने अपने साथ निश्चय की उपलब्धियां की चर्चा की। साथ ही साथ विरोधी पक्ष पर हमला करते हुए कहा कि दो बार तो हम गए, लेकिन ये सब लोग परिवारों में सिमट के रह जाता है, बेटा बेटी पत्नी, इससे बाहर निकलता ही नहीं है लोग। तो आज हम अगर सरकार में केंद्र में जो हमको विशेष पैकेज मिला, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बधाई दिया कि आपने बिहार के बारे में विशेष पैकेज दिया है। तो हमारा जो हमारी उम्मीद है कि जो हमको पैकेज मिला उससे होगा और आगे आने वाले दिन भी बिहार के बेहतर होंगे। 220 सीटों का भी टारगेट? हाँ बिल्कुल, हमने लक्ष्य तय किया कि 2010 को पार करेंगे। अच्छा नहीं क्यों मिलेगा, जब विपक्ष का नेता ही बिहार की सरजमी पर नहीं रहते हैं, जब विपक्ष के नेता ही राजनैतिक रूप से देश से कहा जाता है बाहर रहते हैं, तो यहाँ तो फील्ड खाली है। लग रहा है कोई मुकाबला नहीं है? ना कोई मुकाबला नहीं, फील्डें खाली है। जब विरोधी पक्ष का नेता ही गायब है, तो सेनापति गायब है, तो सेना का तो दुर्दशा हो ही जाएगा। जेडीयू डिमांड कर रही है भारत रत्न नीतीश जी को? नहीं, जनता दल यूनाइटेड की कोई यह मांग नहीं है, किसी ने व्यक्तिगत लगाया है। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर कहा गया है, क्लाइमेट लीडर कहा गया है, बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड मिला है। कोई पैरवी नहीं, पिछड़ा वर्ग में जन्म लिए, एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा जो ईमानदारी से राजनीति में जीवन जिए, ये देखिए फेरिस्त है, उनको पुरस्कार का फेरिस्त है। और दूसरा जो हमारा विरोधी है उसके पास फेरिस्त है, CBI, ED, यही सब का फेरिस्त है, जेल। हमारे कोई पुरस्कार नहीं मिला, लालू जी को भी नहीं, अन्य राबड़ी देवी जी को, हमारे नेताजी को तो इतना पुरस्कार मिला है कि पुरस्कार है सिर्फ कार्यकर्ता लबालब है, कहता है कि जो आप कहिएगा वही करेंगे। आपके एक और विरोधी आ गए प्रशांत किशोर, कह रहे नीतीश जी का रेलिवेंस खत्म हो गया है बिहार में। राजनीति में प्रशांत भी किशोर हैं, और राजनीति व्यवसाय नहीं है। व्यवसायिक हितों पर जब चोट पड़ा, व्यवसाय में असफल हो गए, तो आँख में धूल झोंक रहे हैं। 2022 में अपनी राजनीतिक पार्टी आपने बनाया, 2 अक्टूबर को आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तो हत्या नाथूराम गोडसे ने कर करके पूरे देश को कलंकित किया था, लेकिन विचार की हत्या करके आप भी उसी भूमिका में आ गए कि 2 अक्टूबर को आप कह रहे हैं कि शराबबंदी खत्म करने के लिए, तो GD वेमेंस कॉलेज में कार्यक्रम न करिए, उसके गेट पर कार्यक्रम करिए कि शराबबंदी खत्म करने के लिए सिग्नेचर कंपेन करेंगे। बेटी वह स्वागत करेगी कि आपको याद दिला देगी कि राजनीति किसको कहते हैं।